कांग्रेस के राज में तो राशन नहीं मिल रहा था, अब तो इतना मोदी जी फ्री का राशन दे रहे हैं। कांग्रेस के राज में बहुत लोग का राशन कटा हुआ था, आधार होने से बहुत लोग है कि पहले गैर कानूनी तरीके से आप लोग बैंक से पैसा निकाल लेते थे। सरकार में कपड़ा मिलता था, चिन्नी मिलता था। अरे कांग्रेस की सरकार में तो बहुत कुछ मिलता था, कांग्रेस की सरकार में तो अभी नहीं तो आप तो बहुत ये तो बात बोले गेहूं की बात कर, लॉकडाउन के टाइम तो आप लोग घर में बैठ के रहे, उस वक्त तो बहुत अनाथ बहुत अच्छे से लिए, उस वक्त आप लोग नहीं बोले ये चीज़ के लिए महंगाई बैठे आप नहीं लिए, वो अलग चीज़ है। सरकार तो सबको दी है, केंद्र सरकार सबको दी है, अनाज पहले भी मिलता था, आपको फ्री का राशन मिल रहा है आपको नहीं। बिहार को केंद्र सरकार द्वारा तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन हमारे जो है नीति आज आसमान पर है। नड्डा साहब बोल रहे थे महंगाई के मुद्दे पर, उन्होंने कोई बात नहीं कहा, क्या कहेंगे? देखिए आज के डेट में कहीं भी कमा रहे हैं तो पहले के वेतन से महंगाई, देखिए शेर को अगर पालते हैं तो उसको है ना पालने की क्षमता भी रखते हैं। नहीं महंगाई को लेकर ये बात जो सब लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया, महंगाई कुछ नहीं बढ़ा है, क्योंकि अगर मोदी जी कहाँ से कर पाएंगे, उनको भी टैक्स देना पड़ता है, उससे तो हमें बेनिफिट ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं महंगाई बढ़ा है। पहले भी कांग्रेस के सरकार में बीजेपी के सरकार में नहीं है, पहले भी थी महंगाई 5 रुपया था, आज के डेट में 10 रुपया में महंगाई बढ़ा है या नहीं? नहीं उतना ठीक है, महंगाई बढ़ा है तो सैलरी भी तो बढ़ा है सबका। पहले जो 1500 में लोग जॉब कर रहे थे अब 10,000 में जॉब कर रहे हैं, तो उस अनुसार तो सबका सैलरी बढ़ गया, तो महंगाई 20,000 रुपये कर रहे हैं। और ये बात जो गैस की 14 से अभी तक तेल का जो दाम बढ़ा है कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो तेल का अगर बढ़ा है तो गाड़ी भी कितना बढ़ा है? तेल का दाम कितना परसेंट बढ़ा है? गाड़ी हर साल बढ़ता है तो गाड़ी हर साल बढ़ता है, 14 से ही नहीं बढ़ रहा तो, हाँ, तो गाड़ी बढ़ रहा है, अगर गरीबी है तो इतना लोग गाड़ी कैसे खरीदे, परचेस कैसे कर रहे हैं? गरीबी अगर बढ़ रहा है आम लोग आज भी नहीं खरीद रहे हैं, आम लोग खरीद रहे हैं, हमसे अच्छे है ना आम लोग खरीद पा रहे हैं, इतने सारी मिल रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, ऐसा भी नहीं है। मोदी जी अगर मोदी जी नहीं रहते, मोदी जी आपको फ्री का राशन मिल रहा है आपको नहीं? देखोगे हमारे लोग दिखेंगे, अरे तो पहले तो कांग्रेस राज में तो राशन नहीं मिल रहा था, अब तो इतना मोदी जी फ्री का राशन दे रहे हैं। कांग्रेस के राज में बहुत लोग का राशन कटा हुआ था, आधार होने से बहुत लोग है कि पहले गैर कानूनी तरीके से आप लोग बैंक से पैसा निकाल लेते थे। सरकार में कपड़ा मिलता था, चिन्नी मिलता था। अरे कांग्रेस की सरकार में तो बहुत कुछ मिलता था, कांग्रेस सरकार में तो अभी नहीं तो आप तो बहुत ये तो बात बोले गेहूं की बात कर, लॉकडाउन के टाइम तो आप लोग घर में बैठ के रहे, उस वक्त तो बहुत अनाथ बहुत अच्छे से लिए, उस वक्त आप लोग नहीं बोले ये चीज़ के लिए महंगाई बैठे आप नहीं लिए, वो अलग चीज़ है, सरकार तो सबको दी है, केंद्र सरकार सबको दी है। अनाज पहले भी मिलता था, अनाज आज भी मिलता है, नहीं कोई नया नहीं है, नहीं कुछ कुछ बढ़ा है, महंगाई के नहीं आ रही, महंगाई के मुद्दे की जब बात हुई, अगर महंगाई बढ़ी है तो आज लोगों की है ना आपकी जो वृद्धि भी बढ़ी है, पैसे भी बढ़ी है, सैलरी भी बढ़ गई है। सरसों तेल का रेट क्या है मैडम? सरसों तेल का भी कंटर आ रहा है आपको, वही लीजिएगा, हमारे का तो कंटर आता है 200 में आ जाता है।